स्टूडेंट्स, ऑनलाइन तैयारी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके लेटेस्ट वीडियो देखें सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग। मैं सुरेंद्र पांडे लेकर आया हूं 6 दिसंबर 2018 के करंट अफेयर्स। तो दोस्तों, जैसा आपको पता है, हमारा करंट अफेयर्स डेली मंडे टू संडे 6 बजे शाम को प्रस्तुत होता है। और आप लोगों को इस वीडियो को देखने के लिए करना क्या है, तो आप लोगों को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को दबाना है, जिससे कि आपको 6 बजे नोटिफिकेशन मिल जाए और रोजाना आप हमारे वीडियो को देखकर अपने करंट अफेयर्स की तैयारी 100% सुदृढ़ कर आप किसी भी एग्जाम को थ्रू करें। ठीक है, तो जैसा आपको पता है, हमारा जो करंट अफेयर्स है, ये हम लोग 360 डिग्री अप्रोच लेके बनाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने करंट अफेयर्स सेशन की, जो सबसे लेटेस्ट है और अपडेटेड है। और शुरुआत किससे होगी, तो कल के क्वेश्चन ऑफ द डे से। सो कल का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे था कि 25 दिसंबर को कौन सा रेल रोड पुल भारत का सबसे लंबा पुल बन जाएगा। सो ऑन दिसंबर 25, विच रेल रोड ब्रिज विल बिकम इंडियाज लॉन्गेस्ट ब्रिज। तो ये कौन सा बन जाएगा, तो ये आपका बोगीबिल ब्रिज जो है, ये 25 दिसंबर को इसका उद्घाटन हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी करेंगे। और ये दो स्टेट यानी असम और अरुणाचल प्रदेश में ये आपका ये ब्रिज होगा, दो स्टेटों को कनेक्ट करेगा। और इसकी जो लंबाई होगी लगभग 49.2 किलोमीटर होगी। कितनी, तो 49.2 किलोमीटर। और अगर यहाँ पे जो हमने बाकी दिए हुए ब्रिज हैं उनकी बात करें, तो लेट्स टॉक अबाउट द अदर ब्रिजेस। सो वेम्बनाथ ब्रिज जो कि केरला में है, इट्स इन केरला। सो ये जो है, ये लॉन्गेस्ट रेल ब्रिज है। क्या है ये, भारत का सबसे लंबा रेल पुल है। ठीक है, सो लॉन्गेस्ट रेल ब्रिज। और नेहरू सेतु ब्रिज की अगर बात करें, तो ये डेहरी ऑन सोन जो एक जगह है बिहार में, कहाँ पे है, बिहार में जगह है। और ये ब्रिज जो है रिवर सोन पे बना है। किस पे बना है, रिवर सोन पे बना है। और ये सेकेंड लॉन्गेस्ट रेल ब्रिज है, किसका, तो इंडिया का। ठीक है, सेकेंड लॉन्गेस्ट रेल ब्रिज, यानी कि भारत का दूसरा सबसे लंबा रेल ब्रिज कौन सा है, तो आपका नेहरू सेतु ब्रिज, जो कि सोन नदी पे बना है। कहां पे, डेहरी ऑन सोन बिहार में। और भूपेन हजारिका ब्रिज जो कि 9.5 किलोमीटर का है, तो ये जो है सबसे लंबा जो है रोड ब्रिज है भारत का। सो भारत का सबसे लंबा रोड ब्रिज कौन सा है, भूपेन हजारिका ब्रिज, जो कि 9.5 किलोमीटर लंबा है। और भूपेन हजारिका कहां के थे, असम के थे। तो जी हाँ, ये जो है कहां है आपका, असम में है। और वेम्बनाथ ब्रिज कहां है, केरला में। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखते हैं अपने करंट अफेयर का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आपको हमारे वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और डेफिनेटली हमारे कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स को पूछते रहना है, जिससे हम अगले जो वीक का सेशन होगा वेडनेसडे को 10 बजे, उसमें हम आपके डाउट्स को क्लियर कर सकें। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन, हमारा पहला क्वेश्चन है कि पेट्रोलियम निर्यात करने वाले देशों यानी कि ओपेक यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज ओपेक की बैठक कहां शुरू हुई। सो वेयर डिड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज ओपेक मीट बिगिन। सो कब ये शुरू हुई है बैठक, तो ये आपका आज यानी कि 6 दिसंबर को ये बैठक शुरू हुई। कहां हुई, तो ये वियना में शुरू हुई। कहां हुई है ये, वियना में शुरू हुई है, जो कि किसकी राजधानी है, ऑस्ट्रिया की राजधानी है। किसकी है, ऑस्ट्रिया की राजधानी है। और ओपेक का जो है हेडक्वार्टर भी है। ठीक है दोस्तों, और अब बात आती है ओपेक की। अब ओपेक से संबंधित हमने 2 दिन पहले ही जानकारी इकट्ठी की थी, जब हमने देखा था कि कतार ने ये डिसीजन लिया, किसने, कतर ने ये डिसीजन लिया कि वो ओपेक से क्या होगा, वो बाहर हो जाएगा, ओपेक से अपनी सदस्यता वापस ले लेगा। कब से, तो जनवरी 2019 से हमने ये देखा था। तो अब अगर ओपेक से संबंधित अगर बात करें, तो क्या है इसमें, कुल मिला के कितने मेंबर्स हैं, कुल मिला के 15 मेंबर्स हैं। कितने, 15 मेंबर्स हैं इसके। ठीक है, जिसमें कतर भी था, तो जनवरी तक कतर बना हुआ है। अभी कतर जब निकल जाएगा तो कितने हो जाएंगे, 14 सदस्य। और ये कब इसकी स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना 1960 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है, तो आपका वियना में। और इसके फाउंडिंग मेंबर्स कौन है, तो आपका ईरान हो गया, इराक हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, फिर आपका वेनेजुएला हो गया। ठीक है, और लास्टली आपका कुवैत।
तो ये पांच जो देश हैं ये फाउंडिंग मेंबर्स थे किसके, ओपेक के। अब ये जो बैठक हो रही है 6 दिसंबर और 7 दिसंबर को वियना में, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें डिसीजन लिया जाएगा कि तेल का जो प्रोडक्शन है उसको कट किया जाए या नहीं। अब हालांकि डोनाल्ड ट्रंप जो कि यूएस के राष्ट्रपति हैं, उनका कहना है, वो प्रेशर डाल रहे हैं कि आप जो है प्रोडक्शन जो है कट मत करिए, लेकिन अब जो ओपेक है वो उस पर सहमत है कि प्रोडक्शन कट करना है क्योंकि तेल के दामों में जो है जो प्राइस ऑफ ऑयल है, प्राइस ऑफ ऑयल है वो लगभग कितना डिक्लाइन हो चुका है, पिछले 2 महीने में 30% डिक्लाइन हो चुका है और अभी ये $60 पर बैरल इसका प्राइस चल रहा है, कितना, तो $60 पर बैरल इसका प्राइस चल रहा है। तो इसी पे डिसीजन लिया जाएगा और बहुत ही महत्वपूर्ण डिसीजन होगा भारत की दृष्टि से भी। क्यों? क्योंकि भारत जो है अपने मैक्सिमम जो तेल की नीड है उसका जो है मतलब कि 2/3 जो है क्या करता है, आयात करता है, क्या करता है, इंपोर्ट करता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, कितनी भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2018 दिया जाएगा? सो इन हाउ मेनी लैंग्वेजेस साहित्य अकादमी अवार्ड 2018 विल बी गिवन? सो कितने उसमें दिया जाता है ये, तो 24 लैंग्वेजेस में ये दिया जाता है। कितने? 24 लैंग्वेजेस में दिया जाता है। तो बात करें तो कितने होते हैं, 22 आपके शेड्यूल्ड लैंग्वेज। शेड्यूल्ड मेरा कहने का मतलब क्या है कि जो संविधान, भारत के संविधान में, भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में जो भी लैंग्वेज जो है अधिसूचित किए गए हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेज। ठीक है, प्लस आपका क्या है, इंग्लिश, और प्लस आपका राजस्थानी। सो ये कुल मिला के जो है 24 लैंग्वेजेस में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है और इसकी घोषणा हो चुकी है। अब अगर इसकी बात करें, ये देखिए ये रहा साहित्य अकादमी पुरस्कार जो दिया जाता है ये, ठीक है, इसकी बात करें तो इसके करंट जो है एकेडमी के प्रेसिडेंट कौन है, चंद्रशेखर कंबर इसके प्रेसिडेंट है। इसकी स्थापना हुई थी 22 मार्च 1954 को और इसकी दो जो है द्विमासिक यानी कि बाई मंथली द्विमासिक जर्नल्स इसके निकलते हैं, पत्रिकाएं निकलती हैं। क्या नाम है उनका, तो इंडियन लिटरेचर इंग्लिश में निकलता है और समकालीन भारतीय साहित्य ये हिंदी में निकलता है। और अवार्ड जो है इसमें क्या क्या होता है, इसमें जो है एक आपका कॉपर प्लेक होता है, एक शॉल होता है और एक 1 लाख रुपए का चेक होता है। क्या क्या होता है, कॉपर प्लेक, शॉल और 1 लाख का चेक। ये रहा कॉपर प्लेक जो आपको दिखाई दे रहा है जिसपे साहित्य लिखा हुआ है, ठीक है, ये कॉपर प्लेक है। और इस कॉपर प्लेक को डिजाइन किसने किया था, इसको डिजाइन किया था भारत के विश्वविख्यात इंडियन फिल्म मेकर सत्यजीत रे ने। हु डिजाइन डेट, तो सत्यजीत रे डिजाइन डेट। ठीक है, अब आइए जरा देखते हैं किसको किसको या कितनी कैटेगरीज में अवार्ड मिलेगा। तो ये देखिए साहित्य अकादमी जो है ये January 1, 2012 से लेकर December 31, 2016 के बीच में जो भी बुक्स प्रकाशित हुई हैं उनको ये अवार्ड दिया जाएगा, यानी कि अवार्ड देने से इमीडिएटली 5 साल पहले, ठीक है। सो 5 साल में जो भी बुक प्रकाशित हुई हैं उनको ये अवार्ड दिया जाएगा। सो कब से कब के बीच में, 1 जनवरी 2012 से December 31, 2016। अब 2018 का जो अवार्ड है इसमें 7 जो है कलेक्शंस ऑफ पोइट्री है, यानी कि 7 काव्य संग्रह है, 6 जो है नॉवेल्स हैं, 6 शॉर्ट स्टोरी है, 3 जो है लिटरेरी क्रिटिसिज्म है और 2 क्या है एसेज के कलेक्शन है। तो इन लोगों को 2018 का पुरस्कार मिलेगा। इसके अलावा जो है साहित्य अकादमी ने भाषा सम्मान 2017 और 18 की भी घोषणा की। तो नॉर्थ जोन में ये अवार्ड किसको जाएगा, योगेंद्रनाथ शर्मा को। साउथ जोन में जी वेंकट सुबैया को। ईस्टर्न जोन में गजेंद्रनाथ दिवस दास को और वेस्टर्न जोन में शैलेजा बापत को ये अवार्ड जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि कब तक डिजिटल लेन देन के लिए लोकपाल योजना RBI द्वारा अधिसूचित की जाएगी। सो बाय व्हेन द ओम्बड्समैन स्कीम फॉर डिजिटल ट्रांजैक्शंस विल बी नोटिफाइड बाय द
आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो कब तक? तो ये जनवरी 2019 तक जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिजिटल ट्रांजेक्शन के लिए जो है एक ओम्बुड्समैन लाएगा। ओम्बुड्समैन कौन होता है? सो ओम्बुड्समैन वो होता है जिसके जिसके पास जाके आप अपने जो भी मतलब की कंप्लेन है या ग्रीवांसेस हैं, जो भी कंसर्न्स हैं, उनको जाके आप बता सकते हो और ओम्बुड्समैन जो है एक विद एक गिवन टाइम पीरियड में उन कंप्लेंट्स पे एक्ट करके दोषी को जो है सजा सुनाता है। क्या करता है? दोषी को सजा सुनाता है। तो इट्स अ ग्रीवांस रिड्रेसल बॉडी या ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म होता है। जैसे कि लोकपाल और लोकायुक्त होते हैं तो वैसे ही ओम्बुड्समैन होता है। और ओम्बुड्समैन ये टर्म कहां से लिया गया है? ये स्वीडन या खास करके हम बोले स्वीडन नहीं तो स्कैंडिनेवियन कंट्री से, स्कैंडिनेवियन कंट्री से लिया है। तो स्कैंडिनेवियन कंट्री से मतलब कौन कौन है? स्वीडन हो गया, नॉर्वे हो गया, फिनलैंड हो गया, ये सारे क्या है? स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं। तो यहां से ये टर्म आया है ओम्बुड्समैन, ठीक है। और बात करें कि बैंकिंग में ओम्बुड्समैन सबसे पहले कब आया था, तो ये जो है 1995 में जो है ये स्कीम जो है आरबीआई द्वारा चलाया जा रहा है। और अभी एट प्रेजेंट जो स्कीम चल रहा है वो चल रहा है बैंकिंग ओम्बुड्समैन स्कीम 2006 का, ठीक है। बैंकिंग ओम्बुड्समैन स्कीम 2006 जो है अभी क्या है प्रभावी रूप से चल रहा है और इसका जो है 2017 में एक बार संशोधन हुआ था, ठीक है दोस्तों। अब आगे चलते हैं चौथे क्वेश्चन पे। हमारा चौथा क्वेश्चन है कि 27 वर्षों के अंतराल के बाद किस देश में अमेरिका ने अपना स्थायी मिशन स्थापित किया। सो इन विच कंट्री द यूएस एस्टैब्लिश इट्स परमानेंट मिशन आफ्टर अ गैप ऑफ 27 इयर्स, यानी 27 साल बाद पहली बार अमेरिका जो है किसी देश में अपना स्थायी मिशन स्थापित कर रहा है या परमानेंट मिशन एस्टैब्लिश कर रहा है। तो ये कौन सा देश है? तो ये है आपका सोमालिया। तो सोमालिया में जो है जिसकी राजधानी क्या है? मोगादिशु। तो सोमालिया में अमेरिका 27 साल के बाद पहली बार राजधानी जो है परमानेंट मिशन एस्टैब्लिश कर रहा है। और बात करें तो ये देखिए ये जो है सोमालिया एक हॉर्न ऑफ अफ्रीका का पार्ट है। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन होता है? आपका जिबौती है, इथियोपिया है, एरिट्रिया है और आपका क्या है ये सोमालिया है। ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है, ये पूरा सोमालिया है। ये रही उसकी राजधानी मोगादिशु और उसके ठीक नीचे कौन है? कीनिया है। और अब तक क्या था कि 2013 से अमेरिका जो है अपना दूतावास जो है किसके लिए? सोमालिया के लिए दूतावास कीनिया से चला रहा था, लेकिन अब जाके प्रॉपर मोगादिशु में ही सेटअप करेगा। तो अब सोमालिया के प्रेसिडेंट कौन है? सोमालिया के प्रेसिडेंट है मोहम्मद अब्दुल्लाही मोहम्मद। कौन है? तो मोहम्मद अब्दुल्लाही मोहम्मद। प्रधानमंत्री कौन है वहां के प्राइम मिनिस्टर? तो हसन अली खायरे। कैपिटल है मोगादिशु और करेंसी है सोमाली शिलिंग। क्या है? सोमाली शिलिंग इसकी करेंसी है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारा पांचवा क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने कृषि व्यवसाय और ग्रामीण परिवर्तन के लिए स्मार्ट पहल की शुरुआत की। सो विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च स्मार्ट इनिशिएटिव फॉर एग्री बिजनेस एंड रूरल ट्रांसफॉर्मेशन। तो किसने किया है यह आपका ग्रामीण परिवर्तन और कृषि व्यवसाय के लिए? तो ये आपका महाराष्ट्र ने ऐसी पहल चालू की है। और ये जो पहल किसने लॉन्च की? तो कल जो है वहां के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ये पहल लॉन्च किया। किसने लॉन्च किया? तो देवेंद्र फडणवीस जो कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। और जो है आपका कहने का मतलब क्या है जो स्मार्ट है यानी स्मार्ट इनिशिएटिव ये क्या स्टैंड करता है? ये इसका फुल फॉर्म है स्टेट ऑफ महाराष्ट्रास एग्री बिजनेस एंड रूरल ट्रांसफॉर्मेशन। क्या है इसका फुल फॉर्म? स्टेट ऑफ महाराष्ट्रास एग्री बिजनेस एंड रूरल ट्रांसफॉर्मेशन। और ये प्रोजेक्ट जो है वर्ल्ड बैंक द्वारा सपोर्टेड है। और इसका सीधा सीधा मतलब क्या है कि एग्रीकल्चर में वैल्यू चेन्स बनाना और इसका फोकस होगा किस पे? तो मार्जिनल फार्मर्स पे, यानी कि जो सीमांत जो खेतीहर है या सीमांत आपके किसान है, छोटे किसान है, उन पर जो है ये प्रोजेक्ट फोकस होगा। और ये कुल मिला के जो भी मार्जिनल फार्मर्स महाराष्ट्र
महाराष्ट्र के 1000 गांवों में स्थित है, वहां पे इसका फोकस होगा। अब इसके तहत वर्ल्ड बैंक जो है 1500 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगा, महाराष्ट्र सरकार 430 करोड़ रुपए करेगी, और 70 करोड़ रुपए कहां से आएगा, तो ये VSTF से। VSTF क्या है, तो विलेज सोशल ट्रांसफॉर्मेशन फाउंडेशन, ये एक महाराष्ट्र सरकार का इनिशिएटिव है। क्या है, विलेज सोशल ट्रांसफॉर्मेशन फाउंडेशन। तो 70 करोड़ रुपए वो देगा, 430 करोड़ पर सरकार के राज्य सरकार देगी, और 1500 करोड़ रुपए विश्व बैंक देगा। और कुल लागत कितनी है इस प्रोजेक्ट पे, 2000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। और ये रहा आपका महाराष्ट्र, जिसकी राजधानी मुंबई है, और जिसके गवर्नर कौन है, तो यहाँ के गवर्नर है सी विद्यासागर राव। कौन है यहाँ के गवर्नर, तो सी विद्यासागर राव जो है यहाँ के गवर्नर हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं छठा क्वेश्चन। हमारा छठा क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी नवाचार यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन कोष लॉन्च किया। सो विज्ञान और प्रौद्योगिकी नवाचार कोष किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया, या फिर विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन फंड, तो ये किसने लॉन्च किया है, ये गुजरात सरकार ने लॉन्च किया है। और गुजरात सरकार इसके साथ ही पहली ऐसी राज्य सरकार हो गई है जो इस तरीके का फंड क्रिएट कर रही है। ठीक है, इसके तहत क्या है कि ये 50 करोड़ रुपए का फंड है, और इसमें जो भी राज्य स्तर पर या जो भी केंद्र विश्वविद्यालय हैं यानी सेंट्रल एंड स्टेट यूनिवर्सिटीज, उनको 50 लाख रुपए का अनुदान राशि दिया जाएगा। कितने साल के लिए, तो आपका 3 साल के लिए मैक्सिमम। लेकिन ये जो कॉलेजेस हैं, ये यूनिवर्सिटीज हैं, जो भी ये जो है AICTE या फिर UGC द्वारा प्रमाणित होने चाहिए। ठीक है, अब इसका मकसद क्या है, इसका मकसद है कि स्ट्रैटेजिक फील्ड्स में, यानी कि क्या करना है, जो भी आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट है उसमें टैलेंट को नर्चर करना है। और इसकी इंप्लीमेंटिंग अथॉरिटी कौन है, तो वो है आपका गुजरात काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। कौन है, तो गुजरात काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, या फिर हम बोले तो गुजकॉस्ट। कौन है, तो गुजकॉस्ट जो है इसकी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है। और ये रहा आपका गुजरात, जिसकी राजधानी क्या है, इसकी राजधानी है गांधीनगर। और कहने का मतलब, इसके गवर्नर कौन है, तो इसके गवर्नर है ओपी कोहली। कौन है इसके गवर्नर, ओपी कोहली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा सातवां क्वेश्चन है कि सीमांत लागत फंड पर आधारित लेंडिंग दर प्रणाली की कार्य की समीक्षा करने के लिए RBI द्वारा, यानी RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा के आंतरिक अध्ययन समूह का नेतृत्व किसने किया। सो हु हेडेड द RBI's इंटरनल स्टडी ग्रुप टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट सिस्टम, तो किसने किया, तो ये डॉक्टर जनक राज ने किया। किन्होंने किया, डॉक्टर जनक राज ने किया। और इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी है, उसमें इन्होंने एक सबसे बड़ा रिकमेंडेशन ये दिया है कि जो भी लघु उद्योग है, यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस MSME सेक्टर, सो MSME सेक्टर के लिए जो आपका फ्लोटिंग जो भी इंटरेस्ट रेट है वो एक्सटर्नली बेंचमार्क होना चाहिए, ले इंटरनली बेंचमार्क नहीं होना चाहिए। पहला क्या है कि एक्सटर्नली बेंचमार्क होना चाहिए। ठीक है, एक्सटर्नली बेंचमार्क। और दूसरा कि ये जो है क्या होना चाहिए, फ्लोटिंग रेट होना चाहिए। ठीक है, तो ये MSME सेक्टर के लिए ये रिकमेंडेशन दिया है डॉक्टर जनक राज कमिटी ने। अब जब बात उठी है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट या सीमांत लागत फंड पर आधारित लेंडिंग दर, तो ये है क्या, तो MCLR की बात करें तो ये क्या है, ये जो भी मतलब कि इंटरेस्ट रेट फिक्स किया जाता है भारतीय बैंक द्वारा, तो उसको डिटरमाइन करने के लिए क्या है, ये एक मेथडोलॉजी है। क्या है, ये एक मेथडोलॉजी है। तो इस MCLR जो कि मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट है, इसके नीचे क्या है, कोई भी इंटरेस्ट रेट नहीं आ सकता। तो ये जो है फ्लोर प्रोवाइड करता है कि जिसके नीचे इंटरेस्ट रेट नहीं आ सकता। और इसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कब से लागू किया है, April 1, 2016 से। और इसने रिप्लेस किसको किया था, तो बेस रेट सिस्टम को रिप्लेस किया था, जो कि जुलाई 2010 में लाया गया था।
अब MCALR जो है ये करता क्या है, MCALR कैसे कैलकुलेट होता है। अब मान लीजिए इसका कॉस्ट ऐसे कैलकुलेट होता है कि आज 100 रुपया है, अब किसी बोरोवर को 101 रुपया देने में कितनी जो है लागत आएगी, सो उसी को हम बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट, यानी 1 रुपया देने में कितना यूनिट कॉस्ट लगेगा या मार्जिनल कॉस्ट लगेगा या इंक्रीमेंटल या एडिशनल कॉस्ट लगेगा, उसको हम लोग बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट लेंडिंग रेट। और ये क्या है, ये एक इंटरनल बेंचमार्क रेट है और इस ये जो है बैंक के लिए रेफरेंस रेट निर्धारित करता है, जिसके नीचे क्या है कि कोई भी इंटरेस्ट रेट नहीं आ सकता है। ठीक है, यही आपका MCLR। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारा 8वां क्वेश्चन है कि इंस्टाग्राम पर दुनिया का सबसे फॉलो किया जाने वाला नेता कौन है, सो हु इज द वर्ल्ड्स मोस्ट फॉलोड लीडर ऑन इंस्टाग्राम। तो दोस्तों ऐसे सवाल भी पूछे जाते हैं, इसलिए हमने ये रखा है। अब कौन है ये, तो ये हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जो है ये वर्ल्ड के सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले लीडर हैं, किस पर, तो इंस्टाग्राम पर। ठीक है दोस्तों, तो यहां पे हमारा करंट अफेयर सेशन समाप्त होता है और अब देखते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। तो हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है कि इन विच स्टेट इज द सेंट्रल पोटैटो रिसर्च स्टेशन, सो केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र किस राज्य में है। ये CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का एक उपक्रम है, तो ये किस राज्य में है आपको बताना है, ए उत्तर प्रदेश, बी तमिलनाडु, सी कर्नाटका या डी बिहार। तो दोस्तों आपको अपना आंसर कमेंट बॉक्स में देना है और हम जो है कल फिर से शाम को 6 बजे हाजिर होंगे आपके प्रश्नों का उत्तर लेकर, आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए हम लोग वेडनेसडे को हाजिर होंगे। तो आप लोग अपने डाउट जो है कमेंट में पोस्ट करते रहिएगा एंड यस डू नॉट मिस आर इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर। सो गुड नाइट एंड अलविदा एंड थैंक यू।